नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अब बात होगी कमोडिटी मार्केट की, जहां पर आपको बताएंगे कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में गिरावट है। गोल्ड का भाव करीब $4 नीचे है और $1276 प्रति औंस के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर में करीब 34% की नरमी है और $17 प्रति औंस के नीचे है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव। और जो कमजोरी आई है, जो नरमी आई है, इसके पीछे वजह यह है कि डॉलर मजबूत हुआ है येन के मुकाबले। अमेरिकी डॉलर 3 महीने की ऊंचाई पर है, इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। और साथ ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलपमेंट हुए हैं, उसका इम्पैक्ट भी मार्केट के ऊपर देखना होगा। जापान में शिंजो आबे को एग्जिट पोल में 2/3 वोट मिलता हुआ दिख रहा है। अमेरिकी सीनेट ने गुरुवार को $4,00,000 का बजट पारित किया है। इसके अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की, तो क्रूड कीमतों में तेजी है और $58 के बेहद करीब है ब्रेंट क्रूड का भाव। WTI क्रूड का भाव $52 प्रति बैरल के करीब है, करीब 34% की मजबूती है WTI और ब्रेंट में। और चूंकि सप्लाई घटने की आशंका है, इसने मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। आपको बता दें कि भारत चीन से डिमांड बढ़ने की संभावना है। अमेरिका में ऑयल रिग्स की संख्या 7 घटी है और साथ ही इराक में सरकार कुर्दी सेना के बीच युद्ध से सप्लाई प्रभावित हुई है। ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट हैं जिसका इम्पैक्ट आपको प्राइस के ऊपर दिख रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए भरत कुमार हैं, GFM रिसर्च के डायरेक्टर हैदराबाद से, और साथ ही हमारे साथ केडिया कमोडिटी के MD अजय केडिया हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय केडिया, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरह से कमजोरी आई है बुलियन के मार्केट में, गोल्ड और सिल्वर में, क्या आपको लगता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कमजोरी का इम्पैक्ट आज इंडियन मार्केट के ऊपर भी दिखेगा? डेफिनेटली अगर देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स में तेजी आई है जिस दिन से US में जो स्टेप्स लिए गए टैक्स रिफॉर्म को लेकर, उसके बाद हमने गिरावट आती हुई देखी है। बट ओवरऑल पिछले एक महीने की बात करें तो 1270 से लेकर 1310 का जो दायरा वो अभी भी इंटैक्ट है। इंट्राडे में मुझे लगता है कि गोल्ड में गिरावट का रुख रहेगा, बट डाउन साइड लिमिटेड रहेगा, 29380 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। ओके, ठीक है। भरत कुमार, आपका व्यू क्या होगा गोल्ड और सिल्वर में, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से खबरें आई हैं, डॉलर मजबूत हुआ है, जापान के नतीजे सामने आ रहे हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में? गोल्ड में टेक्निकली अगर हम लोग देखते हैं तो जब तक 1297 के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड नहीं करेगा, आई थिंक वीकर प्राइस होते रहेगा। $1250 तक नीचे जाते हुए काफी दिखा रहे हैं। तो टू दैट एक्सटेंट M6 में 29,000 का देख सकते हैं। ठीक है, इस बीच आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कच्चे तेल में तेजी है और गोल्ड का भाव दबाव में है, ₹70 नीचे MCX पर गोल्ड, 29,500 के नीचे हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। चांदी में ₹120 की नरमी है, 39,771 के स्तर पर है MCX पर सिल्वर का भाव। चांदी का भाव ₹27 ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इस बीच IEX की लिस्टिंग हो रही है, NSE पर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर 1591-93 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है और करीब 3.5% नीचे है BSE पर, 1500 के भाव पर ये लिस्ट हुआ है। तो IEX का IPO 2.28 गुना यहां पर भरा था और इस बीच आप देख पा रहे हैं गिरावट है, करीब 3% नीचे है, 1595 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर और इशू प्राइस 1650 के मुकाबले ₹1500 के स्तर पर ये लिस्ट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से लौटते हैं कमोडिटी मार्केट पर। गोल्ड सिल्वर के बाद अब बात करते हैं कच्चे तेल की और क्रूड कीमतों में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तर्ज पर आज इंडियन मार्केट में भी मजबूती है, तेजी के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, करीब 0.5% ऊपर है MCX पर कच्चे तेल का भाव। वजह यह है कि ग्लोबल मार्केट में सप्लाई घटने की खबरें आई हैं, अमेरिका में उत्पादन घटा है। आपको लगता है अजय केडिया कि ऐसे में क्रूड में तेजी बढ़ेगी, बाय करके चलना चाहिए? क्रूड की बात करें तो देखिए इस वक्त है ना काफी बड़े रेजिस्टेंस लेवल पे है, जो 52 से 53 का जो रेंज है हमने पहले भी देखा कि इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। बट नो डाउट अभी फंडामेंटल थोड़े से इंप्रूव होना चालू हुआ, सप्लाई साइड टाइटनिंग हो रही है, डिमांड में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखे, और जनरली देखा जाता है क्वार्टर फोर में डिमांड इंप्रूव रहती है। तो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट जंक्शन पे है इस वक्त क्रूड ऑयल, अगर ये 53.5 के ऊपर गया तो बड़ी तेजी देखने मिल सकती है। बाकी इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है बाय करना चाहिए, 3420 से लेकर 3440 तक के टारगेट MCX को देखने मिले। ओके, आपका इमीडिएट टारगेट क्या होगा भरत कुमार कच्चे तेल को लेकर MCX पर आज? 3451-52 तक टारगेट रहेगा एंड कपल ऑफ डेज के लिए आई थिंक 3500 पर एक्सपेक्ट करना चाहिए। ओके, अजय केडिया, मेटल मार्केट को लेकर के आपका ताजा आउटलुक क्या है, और खास करके अगर आज कॉपर में ट्रेड करना हो, कारोबार करना हो, तो कॉपर में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे?
मुझे अगर पूरे बेस मेटल की बात करें तो सबकी निगाह चाइना की अपडेट्स पे थी, जो लास्ट वीक एक मीट थी, बट वहां से आउटकम हमने देखा जो एनवायरमेंटल कंसर्न है वही एक इंपॉर्टेंट रहा। टाइमिंग मुझे लगता है कॉपर की बात करें तो जो हमने रैली पिछले 15 दिन में देखी वो कहीं पर थोड़ा बहुत रेंज बाउंड होते हुए दिखाई देगा। एक ड्रॉप अगर 450 से 452 के बीच में मिलता तो वहां पे लेके चलेंगे। ओवरऑल काउंट पर मुझे काफी बुलिश लग रहा है, जो ऊपर में 470 का लेवल मिल सकता है। ओके, तो कॉपर में आपको लगता है कि बाय करके चलना चाहिए, और भरत कुमार की भी राय है कि आप बाय करिए 451 के स्तर पर, 460 का टारगेट होगा 448 के स्टॉप लॉस के साथ। भरत, आपका व्यू करेंसी मार्केट को लेकर क्या है? आई थिंक रुपी यहाँ पे और डिप्रिशिएट होने की काफी सूचना दिखा रहा है, एंड इन लाइन विद डॉलर इंडेक्स आई थिंक 66 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देन आफ्टरवर्ड्स 66.20 तक। आई थिंक रुपी में बेच के चलना चाहिए, मतलब यूएसडी आया ना बाय करना। ओके, अजय केडिया, आप एग्री मार्केट की बात करें तो आज के कारोबार के लिए आपको सोयाबीन कैसा काउंटर दिख रहा है, क्या यहाँ पर सेल करके मुनाफा मिल सकता है? मुझे लगता है कि सोयाबीन में जिस दिन से हमने प्रोडक्शन लाइनअप काफी अच्छी देखी है, और साथ में जो स्कीम एंटी गवर्नमेंट चल रही है उसके बाद हमने अराइवल्स मार्केट में काफी आते हुए दिखा। टाइमिंग मुझे लगता है बीच से चलिए, नीचे में 2850 से लेकर 2800 तक के लेवल सोयाबीन में देखेंगे। ओके, चने में आज के लिए बाय या सेल? चने में मुझे लगता है ऑलरेडी रैली काफी ज्यादा हो चुकी है, जो फेस्टिवल डिमांड है वो मेरे को लगता है कम्प्लीट हुई है, सेल करके चलना चाहिए 5350 पे, नीचे में एटलीस्ट 100 रुपीज का टॉप देखेंगे। जीरा और टर्मरिक, इन दो काउंटर में आपको लगता है कि आज जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए बाइंग का मौका बन रहा है? खासकर अगर जीरे की बात करें तो हमने पहले भी देखा कि 19 के नीचे मार्केट ज्यादा सस्टेन नहीं रह पाया है, तो खासकर जीरे की बात करें तो मुझे लगता है कि मार्केट में एक बाउंस देखा जा सकता है, अगर 19,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो 200 तक के टारगेट पे लिया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप अजय केडिया आपका और भरत कुमार आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, लेकिन 11:26 पर हमारे साथ जुड़िए और जानिए दिन भर की तमाम बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट की और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, ये बताने के लिए आज हमारे साथ अमित सजेजा होंगे मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के, और साथ ही हमारे साथ होंगे ग्लोब कमोडिटीज के तरुण सत्संगी। और अब आपको हम बताएंगे कि शेयर मार्केट में आज आपको कहां पर मुनाफा मिल सकता है, कुछ ऐसी दमदार कॉल्स हम आपको बताने जा रहे हैं जहां पर आज के कारोबार में आप हो सकते हैं मालामाल।